हरे कृष्णा, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हम देख रहे थे कि कृष्ण उद्धव को बतला रहे थे कि किस प्रकार से है ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से ये जो संसार है वृक्ष रूपी संसार को काटना है, और ज्ञान हमें अर्जित करना है गुरु से, मतलब वो कुल्हाड़ी। अब आज कृष्ण अर्जुन उद्धव को बोलेंगे कैसे ये ज्ञान को हम डेवलप कर सकते हैं पहले। और उद्धव आज एक प्रश्न डायरेक्ट पूछ लेते हैं, भगवान ये बताइए सबसे बेस्ट प्रोसेस क्या है, धर्म है, कर्म है, ज्ञान है, वैराग्य है, ध्यान है, क्या है? तो चलिए, क्या है भगवान का उत्तर उसको समझने के लिए अपने पूर्ववर्ती आचार्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और श्रील प्रभुपाद जी का आश्रय लेते हुए आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्री वासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा। तो श्रीमद् भागवतम का ये 11वां स्कंद अध्याय 13वां, कल हमने देखा भगवान ने बोला जो ज्ञान को ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटो, पहले ज्ञान बता रहे, ज्ञान मार्ग। आप कह सकते हैं कि प्रभु जी जब ये रासलीला का वर्णन हो गया ना, तो ये भगवान फिर से ज्ञान के ऊपर इतना क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे आचार्य कहते हैं, आज देखते भी हैं उसका, देखिए भगवान को भी पता था और आचार्य को भी पता था रासलीला को कितना चीपली आज हम लेते हैं, क्या क्या तो गाना बना दिए हैं, हम करे तो कैरेक्टर ढीला, वो करे तो रासलीला, क्या क्या, मतलब कि रासलीला जैसे कि एक भौतिक चीज है और उस रासलीला का एक बहुरूपीकरण चल रहा है आजकल समाज में। कृष्ण बना देते हैं हम अपने आप को और गोपियां बना देते हैं, स्त्रियों के साथ नृत्य करते हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं भगवान ने कहा कि ये रासलीला को चीपली लेंगे, तो इसलिए इनको पहले समझाना पड़ेगा कि आप ये संसार में कैसे फंसे हो, ये भौतिक चीज में हम कैसे फंसे हुए हैं। इसलिए पहले ज्ञान ज्ञान रूपी से संसार को काटना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं ज्ञान के बारे में, कह रहे हैं सबसे पहले प्रकृति के गुण, ये गुण जो है ना व्यक्ति को नचाते हैं कठपुतली की तरह, जैसे कठपुतली होता है ना, तो कठपुतली जैसे नाचती है वैसे हम नाच रहे हैं गुणों पे। कभी गुस्सा आता है तो मन करता है मार दें, कभी शांत रहते हैं तो कोई मार के भी चला जाता है तो शांत रहते हैं, तो ये गुणों के प्रभाव से। और ये गुण के यहां एक्ट करते हैं जीव पे नहीं, आत्मा पे नहीं, आत्मा को छोड़ करके सब पे एक्ट करते हैं।
अब भगवान कहते हैं कि सबसे बड़ा जो तीन गुण है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण, रजो और तमोगुण से व्यक्ति का नाश हो जाता है। इसलिए रजो और तमोगुण से ऊपर उठ करके सत्व गुण में आना चाहिए और सत्व गुण का पालन करना चाहिए। अभी कोई कहेगा, प्रभु जी हमें तो सत्व गुण भी तो भक्ति के लिए नहीं है ना, प्रकृति के गुण है। अभी आप देखिए, आपको मान लीजिए समुद्र पार करना है, ठीक है, तो समुद्र पार करने के लिए आप क्या करोगे? पहले तो किनारे पे आओगे समुद्र के, फिर आप कहोगे ओ कोई शिप है क्या बड़ा सा। अब आप तो हनुमान जी हो नहीं कि जय श्री राम बोल करके छलांग मार दिए, ऐसा तो होगा नहीं। छलांग मारोगे तो ज्यादा से ज्यादा डूब जाओगे, ठीक है। इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम हनुमान जी नहीं है, तो क्या करना है, कोई बोट का सहारा लेना है कि हाँ भाई नाव वाले या जहाज को, और उस जहाज के माध्यम से उस सागर को पार करना है, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। तो सत्व गुण क्या होता है ना, सत्व गुण हमको सागर में उन लहरों के बीच में क्या करता है, स्थिर करता है हमें पार करने के लिए, और भक्ति क्या है, किनारे पे लेकर के आ जाती है। तो पहले सत्व गुण में आना जरूरी है, फिर शुद्ध सत्व में, डायरेक्ट रजोगुण से तमोगुण शुद्ध सत्व में वो हनुमान जी से जैसा एक्सेप्शनल कोई भक्त होगा वही जा सकता है। इसलिए रजत से सत्व, सत्व से शुद्ध सत्व में आना है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं सत्व गुण क्या करना है, अपने जीवन में सत्व गुण का पालन करना है। अब सत्व गुण जो सत्व गुण है उससे होता क्या है, भगवान कह रहे हैं सत्व गुण से क्या होता है ना, सत्व गुण से व्यक्ति धार्मिक कार्य करना स्टार्ट करता है। क्या करना स्टार्ट करता है, धार्मिक कार्य, धर्म के कार्य में मन लगता है। जब तक सत्व गुण में होगा नहीं, धर्म के कार्य में मन नहीं लगेगा। अच्छा, धर्म का कार्य करेगा तो फिर ये सत्वों को भी बढ़ाएगा। मध्वाचार्य कहते हैं वेद से कि जितना आप धार्मिक काम करोगे सत्व गुण को बढ़ाएगा, सत्व गुण से धार्मिक बनोगे, ये चीज होगा, ठीक है। और धार्मिक कार्य करोगे तो क्या होगा, जब धार्मिक कार्य करोगे तो अधर्म से काम कार्य नहीं करोगे। जब जानते हो कि ये धर्म है, मांस मच्छी खाना अधर्म है, अवैध स्त्री संग करना अधर्म है, तो फिर आप अधर्म नहीं करोगे, और अधर्म नहीं करोगे तो फिर क्या होगा, फिर आप बच पाओगे रजस और तमस से। अब प्रश्न उठता है, प्रभु जी सत्व गुण करना है पर सत्व गुण बढ़ाए कैसे, सही बात है ना, सत्व गुण बढ़ाना है तो 10 चीज बताते भगवान, ये चीज सत्व में भी है, रजस में भी है, तमस में भी। हमारे आचार्य कहते हैं पहला है शास्त्र, शास्त्र को पढ़ो। कौन सा शास्त्र? काम शास्त्र पढ़ना है नहीं, शास्त्र कौन सा पढ़ना है, सत्व गुण वाला, जो कि पुराण भी है, 18 पुराण में भी सत्व पुराण होते हैं, और रजस में भी पुराण होते हैं, तमस में भी पुराण होते हैं। अब लोग ले ले करके आते हैं, कहते हैं हमें देवी भागवतम तो सिखा दीजिए जरा, हमें ये सिखा दीजिए कुछ और अन्य पुराण, जो कि वो तामसिक में है। अच्छा, इसलिए पहले शास्त्र वो पढ़ो जो सत्व गुण में है, भागवत तो विशुद्ध सत्व में लेके आ जाता है। दूसरा, भगवान करे जल, कैसा जल पीना चाहिए, कोको कोला नहीं, शुद्ध जल, विशेषकर गंगा जल शुद्ध करने वाला वैसा जल पीना चाहिए, ये नहीं। अब यहाँ पे आप मत बोलिएगा कि नींबू पानी पी सकते हैं कि नहीं प्रभु जी, वो चीज नहीं बोला जा रहा है, जल कहने का अर्थ है शुद्ध जल होना चाहिए। तीसरा, संगति, अरे किसकी संगति करनी चाहिए, अच्छे लोगों की, बुरे लोगों की करेंगे तो बुरे संगति से हमें पता है क्या प्रभाव होता है। फिर देखिए, जगह भी बहुत मैटर करता है, सत्वा आप पब में जाएंगे तो वहां पे अंधेरा रहता है, अंधकार, तमोगुण बढ़ता है, मंदिर जाएंगे तो शुद्ध सत्व में है,
कोई धार्मिक स्थान जगह पे जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है जगह का भी। पांचवा चीज है समय। देखिए कितना जरूरी है, इसीलिए सब भगवान कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं बोल रहे हैं। समय, सुबह उठना चाहिए। हम क्या करते हैं, सुबह सोते हैं रात को उठते हैं, समय का भी प्रभाव होता है। फिर कह रहे भगवान एक्शन, जो कर्म है हमारा वो भी अच्छा होना चाहिए, कर्म भी सात्विक कर्म करना चाहिए, ध्यान इत्यादि, इसका भी प्रभाव पड़ता है। देखिए जन्म का भी प्रभाव पड़ता है। ओहो, हमारे आचार्य इसमें कहते हैं जो जन्म जो होना चाहिए वो क्या, किसके संस्कार, मतलब कि वो जो गर्भाधान संस्कार इत्यादि, उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसीलिए फिर बच्चा या तो रजोगुण कुंडली में लिखते हैं, ये बच्चा बड़ा रजोगुणी होगा, ये बच्चा बड़ा सतोगुणी होगा, इसका बृहस्पति यहाँ पे है, देखे हमने तो ज्योतिष शास्त्र में आपने पढ़ाई होगा। आठवां है मेडिटेशन, ध्यान भी सतोगुण रजोगुण में भी होता है। ध्यान, हम जो ध्यान लगाते हैं, अभी किस चीज का ध्यान लगा रहे हैं, भगवान का या भूत पिशाच का, उसका भी ध्यान होता है। नौवां मंत्र भी शुद्ध और सत्व इस सब में होता है। हरे कृष्ण महामंजप कर रहे हैं, ओम फट स्वाहा, ओम चामुंडाय विक्षय स्वाहा। आजकल लोग तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, प्रभु जी वशीकरण मंत्र आप जानते हैं क्या, हमें वश में करना है किसी को। देखिए लोगों की इच्छाएं रहती है दूसरे को वश में करना, ये वशीकरण मंत्र, काला जादू मंत्र इत्यादि, तंत्र मंत्र, ये भी आपके ये मंत्रों का उच्चारण करेंगे तो क्या होगा, तामसिक। और भगवान कह रहे संस्कार, दसवां अलग अलग प्रकार के संस्कार भी होते हैं। तो ये सारे जो दस चीज हैं ये रजस तमस सत्व में होते हैं, और सत्व बढ़ाना है तो ये सारी चीज सत्व में करने चाहिए। सबसे पहले तो शास्त्र सात्विक पढ़ना चाहिए, मंत्र हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, ये इत्यादि ये सब चीज हमें करना चाहिए। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऋषि मुनियों ने सत्व के बारे में ही जोर दिया है और कहते हैं सत्व कार्य करना चाहिए। ऐसे शास्त्र को नहीं पढ़ना चाहिए जो अनासक्त की जगह पे हमको कहता है कि भोग इच्छा बढ़ाओ, और रजस और तामसिक होते हैं। अब भगवान कह रहे हैं साधना, साधना क्यों जरूरी होता है, साधना से क्या होता है, जैसे भगवान कह रहे हैं ज्ञान बढ़ता है। ज्ञान से क्या होता है, अभी कोई पूछ सकता है आप कह रहे साधना करो ज्ञान अर्जित करो, प्रश्न उठता है कि क्या हुआ, रुकिए क्या, अच्छा ज्ञान अर्जित करो, ज्ञान इसलिए अर्जित करो, कोई प्रश्न कर सकता है कि ज्ञान क्यों अर्जित करना। अरे और दूसरा प्रश्न ये उठ सकता है, ज्ञान भी तो हम इंद्रियों से और ये बुद्धि ये सब भी तो भौतिक चीजें हैं, ये कैसे प्रभाव डालेंगे। तो भगवान कहते देखो बांस होता है ना, बांस जब हवा चलती है जंगलों में तो बांस आपस में टकराते हैं, घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसके कारण से चिंगारी आग लगती है और आग उसी बांस को जला करके पूरे जंगल को भस्म कर देती है, खत्म। तो उसी तरीके से ज्ञान जो कि हम इंद्रियों और बुद्धियों से एकत्रित करते हैं, वही ज्ञान क्या करता है, भस्म कर देता है हमारे इस भौतिक गुणों को, और खुद जैसे आग जब बुझ जाती है तो वैसे ज्ञान भी बुझ जाता है जब हम भौतिक गुणों से ऊपर उठ जाते हैं। अब भगवान कहते हैं, अब उद्धव पूछते हैं एक प्रश्न करते हैं कि भगवान एक प्रश्न है, क्या प्रश्न है उद्धव, दुख हम देख रहे हैं, दुख है, पता है कि इतना रबड़ी 10 किलो रबड़ी खाएंगे, 10 किलो तो नहीं खाएंगे, 1 किलो रबड़ी खा जाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा, पता है, फिर भी जब रबड़ी बनता है मन करता है खा ही ले, और कभी कभी इंद्रिया संयम में नहीं होता है
तो फिर खा लेते हैं ज्यादा। तो पता है कि दुख आ रहा है इस भौतिक जगत में, फिर भी भोग करने की इच्छा जाती ही नहीं है। भगवान कहते हैं, उद्धव कहता है, गधा गधी को देख करके मन डोलने लगता है उसका और भागता है, और गधी पीछे से एक लात मारती है, फिर भी कहता है अरे कोई बात नहीं, प्रेम का लात है, फिर जाता है, फिर एक लात मारती है, फिर भी जाता है। बकरी घास देख रही है कि दूसरा बकरी मर रही है, गर्दन काट रहा है उसका, कसाई काट रहा है, फिर भी घास खाने में लगी जाती, कहती नहीं 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 मुझे नहीं काटेगा, मेरे को बहुत प्रेम करता है। जैसे 5 पैसे का सर्कस वाला बताते हैं हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कहते हैं 5 रुपए का सर्कस में लगा गांव में 5 रुपए का सर्कस, और सभी एकत्रित हो गए, अरे आज तो 5 रुपए का सर्कस देखेंगे, सब लड़ाई करने लगे, पहले मैं। तो एक व्यक्ति गया, कहा हटो मैं जाता हूं सबसे पहले, गया अंदर, देखा तो कोई अंदर नहीं है, फिर बाहर निकलने ही वाला था, कुछ लोगों ने पकड़ लिया, तो कहा अच्छा 5 रुपए का सर्कस दिखाओगे, हाँ कहा हाँ सर्कस दिखाएंगे, और दमादम मारा उसको, लात हो घूसा सब चला दिया उसके ऊपर, कहा अरे बाप रे बाप, कहा कि 5 रुपए का सर्कस देखना है तुमको, यही है 5 रुपए का सर्कस। अब बोला उसको, बाहर जाके करके क्या बोलोगे, बोलोगे कि अरे पिटा गए तो सब कहेंगे क्या बोलोगे, कहा कि कुछ नहीं बोलूंगा, कहूंगा बहुत अच्छा था। बाहर निकलता है, लोग पूछते अरे चिंटुआ सर्कस देखा कहा, अरे बहुत अच्छा था, अंदर जाओ बहुत बढ़िया सर्कस चल रहा है। हम जाते हैं, अब फिर उसकी भी पिटाई होती है, अब उससे भी पूछते बाहर जाकर बोलोगे तो लोग हंसेंगे तुम पे, तो हर कोई पिटा रहा है इस भौतिक जगत में, पर दूसरे को कहता है तुम भी पिटाओ, अरे बड़ा आनंद है। तो उद्धव पूछ रहे हैं, दुख है फिर भी भोग जाता नहीं है प्रभु, आखिर क्यों, कारण क्या है कि भोग करने की इच्छा नहीं जा रही है। भगवान कहते हैं, सबसे पहले मूर्ख है व्यक्ति, दुर्गति दुर्मति कह रहे हैं सबसे पहले क्या होता है ना, अहंकार जो कि आदमी को कर देता है बेकार। अहंकार से क्या होता है ना, फॉल्स आइडेंटिटी कवरिंग माया, सबसे पहले अहंकार से, हम जो शरीर अलग है आत्मा से, हम शरीर को ही आत्मा समझ लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, अभी अहंकार आ गया, अब अहंकार से क्या आता है कि हमारे अंदर जो सत्व था माइंड में, वो काम और क्रोध का जो कि रजोगुण से उत्पन्न होते, भगवान कहते गीता में, तो रजोगुण पहले आता है, रजोगुण से उत्पन्न होता है काम की इच्छा, काम क्रोध, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, भगवान कहते हैं कि अभी काम जो होता है ना, कैसे काम करता है, जैसे एक सुंदर स्त्री देख लिया तो ध्यायतो विषया, ध्यान करना स्टार्ट करते हैं, फिर मन में उसका संग कर लेते हैं, फिर वो आसक्ति और बन जाती है, और इस तरीके से फिर जिद्दी हो जाता है जीव, कहता है मुझे भोग करने की इच्छा है, कोई बात नहीं मुझे भोग करना है, भले उसको पता है कि उसके उस लड़की का बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी नहीं मैं प्राप्त करके रहूंगा, उसका बॉयफ्रेंड डांटता भी है मारता भी है, फिर भी हम कहते नहीं प्राप्त करना है, ऐसा जिद्दी हो जाता है मन भोग की इच्छा से। और इसलिए भगवान कह रहे जानते हुए भी कि कर्म ये पाप है, फिर भी पाप कर देता है, बलाद भगवान गीता में बोलते हैं, बलाद पूर्वक बल पूर्वक खींचता ये काम, और फिर हम क्या करते हैं, ऐसा पाप में कर्म कर देते हैं जो कि हमें दुख ही देता है। तो ये तो पहले प्रोसेस बताया, इसलिए अभी कोई कह सकता है, हो सकता है ये बुद्धि बेवकूफ लोगों मूर्ख है व्यक्ति, कोई कहेगा ना मूर्ख है, इसीलिए कि भगवान यहां पे बोल रहे विद्वान,
अरे नहीं 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 उद्धव ये मत सोचो मूर्ख है, विद्वान भी, विद्वान पुरुष का भी रजस और तमस से मोहग्रस्त हो सकता है। बहुत पावरफुल है। कई बार हम सोचते हैं अरे क्या है माया, माया को हम हटा देंगे अपनी छाया से भी, लेकिन माया इतनी प्रभावशाली है। इसलिए यहाँ पे जीव गोस्वामी बहुत सुंदर एक टीका में कहते हैं, संदर्भ से लेते हैं, क्रम संदर्भ में बोलते हैं कि बहुत जरूरी है हम प्रतिदिन क्या करें। प्रतिदिन जीव गोस्वामी कहते कि हमें टच में आना चाहिए, किसके, ट्रांसेंडेंटल, ट्रांसेंडेंस में, आध्यात्म में। नष्ट प्रायेषु अबद्धेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती भक्तिर, भगवती भक्ति श्लोके भक्तिर भवती निष्ठ की निष्ठा। निष्ठा कब आता है, जब नित्यं भागवत सेवया, एक दिन नहीं कि आज पढ़ लिए बस हो गया, अरे प्रभु जी, नित्यं प्रतिदिन, तब हम तमोगुण से गिरते नहीं है। हर दिन भगवान के नाम का कीर्तन, प्रभुपाद जी कह सकते थे ना ऐसा करो 192 माला जप कर लो संडे को और बाकी 6 दिन आराम करो, बल्कि ज्यादा ही हो रहा है। अगर 16 माला एक दिन कर रहे हैं, 16 × 7 = 112 हो रहा है, उससे तो बल्कि ज्यादा ही हो रहा है, 128 जप कर लो चलो और 6 दिन आराम करते हैं। नहीं, ऐसे काम नहीं चलता है। हर दिन नहीं तो विद्वान कभी रजस और तमस में पड़ सकता है। भगवान कह रहे हैं हर दिन धर्म करना होता है, हर दिन। इसीलिए भगवान कह रहे हैं, अब करना क्या है, भगवान बोलते हैं कि भगवान फिर करे क्या, मन को कहां लगाएं, मनमयी मेरे में इंगेज करो डायरेक्ट। उद्धव गीता में तो कहीं से कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ते, भगवान डायरेक्ट बोलते कि मेरे में मन लगाओ डायरेक्ट। और कहते हैं अनिर्विन्ना, एक दिन नहीं निरंतर। अनिर्विन्ना कहने का अर्थ है, हमारे आचार्य कहते हैं मान लो किसी दिन जप करने का इच्छा नहीं हो रहा है, आज मन कर मन बहुत डोल रहा है, अरे यार आज तो बहुत स्पेशल आइटम बन रहा है, पूरी बन रहा है, सब्जी बन रहा है, चाउमीन बन रहा है, पास्ता बन रहा है, आ हा हा हा, मन आज नहीं कर रहा है जप करने का। वैसे भी तो प्रसाद है ही, प्रभु का साक्षात दर्शन है, जप रख देते हैं। नहीं, आचार्य कहते हैं मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लगेगा। कई लोग कहते हैं प्रभु जी मन नहीं लग रहा है, अरे मन नहीं लगेगा भक्ति में वो इतना, क्योंकि अभी आगे गीता में, इसी उद्धव गीता में भगवान बोलने वाले, मन को लगाना है, नहीं लग रहा है फिर भी जप करना है, नहीं मन कर रहा है जप करना है, एफर्ट डालना है, कोई बात नहीं। मुझे आज भी याद है जब मैं पहली बार प्रभुपाद जी के ग्रंथ, कई साल पहले जब पहली बार पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था, लिटरली क्या है सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंग्लिश में पढ़ता था, सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या है, ये इम्पर्सनलिज्म क्या है, कुछ तो समझ ही में नहीं आता था। फिर भी प्रभुपाद जी स्वयं बोलते अपने बारे में कि मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के लेक्चर में बैठता था, कुछ भी नहीं समझ में आता था, फिर भी क्योंकि साधु गुरु बोल रहे हैं। और देखिए प्रभुपाद जी की कृपा, गुरु की कृपा से प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में प्रचार कर दिया। ये होता है एफर्ट डालना होता है। फिर कहते हैं मैंने अपने भक्तों को, सनक इत्यादि चतुष कुमारों को ये बताया कैसे मन को कंट्रोल में करना। उद्धव का, अच्छा तो फिर मुझे भी बताइए, और भगवान आप किस रूप में अवतरित हुए तो वो भी मुझे बताइए, मुझे जानने की बड़ी इच्छा है। देखिए इच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि हाँ अच्छा आए थे चलिए ठीक है, ऐसा नहीं। इच्छा हमेशा, गीता में भी परीक्षित महाराज भी बहुत जिज्ञासु रहते थे, तुरंत पूछा उद्धव ने कि किस रूप में और कब आपने उसको उपदेश दिया। तो यहां से स्टार्ट होता है, भगवान कहते सुनो उद्धव, एक समय की बात है, चतुष कुमार और कई ऋषि मुनि ज्ञानी जन इत्यादि अपने
पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं चतुष्कुमार सबसे पहले, और उन्होंने पूछा एक प्रश्न जो कि ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आया। प्रश्न क्या था वो बड़ा इजी लगेगा, पर वो भी सही में बहुत चटपटा है, अटपटा है, उसको समझ पाना बड़ा मुश्किल है। कैसे हमारे आचार्य कहते हैं, हरि बोल, हमारे आचार्य कहते हैं कि कैसे, तो प्रश्न पूछा सनक कुमार ने, पहले इसको जनरल में समझाता हूं फिर क्या डीप है। पहले ये बहुत, कई बार हमको लगता है कि क्या पूछ दिया, ये तो हम उत्तर दे देते, ब्रह्मा जी का चार खोपड़ी होकर के उत्तर नहीं दे पाए। नहीं, बहुत डीप क्वेश्चन था, ज्ञानी जन थे भाई चतुष्कुमार। पूछा उन्होंने, मन और जो इंद्रिय विषय है ये दोनों आकर्षित होते एक दूसरे के प्रति। जैसे हम कुछ देखते हैं, स्वाभाविक है हमको अच्छा, जीव को अच्छा खाने की लालसा है, अच्छा देखने की लालसा। इसीलिए लोग कहते ना, अरे ये सब नेचुरल है, क्यों रोक रहे हो, नहीं रोकना चाहिए, बहने दो बहने दो बहने दो, बह जाओ, ये तो नेचुरल है, इसको रोकना नहीं चाहिए। कई लोग बाहर बोलते हैं ना, नेचुरल है, अरे आपका अट्रैक्शन अपोजिट सेक्स के प्रति होना ये नेचुरल है। वही चीज वो भी कह रहे हैं, आकर्षण होता है और फिर जब हम देखते हैं कुछ गंदा चीज तो फिर वो इम्प्रेशन बनता है दिमाग में और मन में स्थित हो जाता है, चिपक जाता है। तो मन भी आकर्षित कर रहा है और वो क्या बोलते हैं, मन में चिपक भी रहा है। तो ये बंधन छूटेगा कैसे, व्यक्ति भौगोलिक जगत को छोड़ करके जाएगा कैसे, और इसका डीप मीनिंग क्या है, हमारे आचार्य कहते हैं, पूछ ये रहे हैं। जैसे सिंपल सब भाषा में आकर आपको समझाऊं, मान लीजिए एक एक्सीडेंट हो गया, रिपोर्टर आता है, हाँ आपने क्या देखा, अरे देखा कि एक गाड़ी आया लड़ गया और वो बस दो चार लोग मर गए। दूसरा रिपोर्टर कहीं और पूछता है तो वो कहता, अरे क्या हुआ ना, ये गाड़ी वाला धक्का मार दिया, इसको ऐसे लगा, फिर ये, तो हर कोई अलग अलग तरीके से बताता है। या एक और एग्जांपल से समझिए, एक सुंदर स्त्री को अगर एक कामी व्यक्ति देखता है तो काम वासना, ओहो भोग की इच्छा होती है। कुत्ता देखता है तो क्या सोचता है, हड्डी है, खाने को मिला। या ये जैसे ये टेबल है, ये टेबल को हम, ओह चलो पढ़ाने के लिए अच्छा है, दीमक तो ये नहीं सोचता है ना, टर्माइट्स, ओहो पढ़ाने के लिए अच्छा होता है, सोचता है खा जाओ पूरा, महाप्रसादे गोविंदे। तो हर कोई अपनी चेतना से देख रहा है, परसेप्शन से, हर का विजन अलग है। तो जो देख रहा है वो उसकी वास्तविकता उस व्यक्ति के देखने के ऊपर है ना, तो फिर वो आइडेंटिटी वो क्या है जो हम देख रहे, फिर ये है क्या, ये डस्टर है या क्या है। मैं तो डस्टर देख रहा हूं, दीमक इसको कुछ और देखेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो सिर्फ पता नहीं मॉलिक्यूल्स और आइटम दिखेंगे। तो है क्या ये चीज, रियलिटी में क्या है ये। ब्रह्मा जी का चार खोपड़ी घूम गया, वो कहें कि बाप रे बाप, नहीं समझ में आ रहा। अब हमारे आचार्य कहते जीव गोस्वामी, ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान से उपदेश लिए, भागवत का क्यों नहीं समझ में आया। उसका दो कारण है, पहला चीज तो ब्रह्मा जी ये समझाना चाह रहे थे कि देखो मैं भौतिक जगत का भी निर्माण किया हूं, उसके कारण से मेरी बुद्धि रजोगुण में मेरी भी है। दूसरा चीज ब्रह्मा जी ये समझाना चाह रहे हैं कि अरे कितनों बड़ा पोजीशन हो जाए, हम कई बार सोचते ना जीवीसी बनेंगे, टेंपल प्रेसिडेंट बनेंगे, ये बनेंगे पोजीशन, बड़े से बड़ा पोजीशन भी नहीं बचा पाएगा अगर डिवोशन नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी कह रहे हैं मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, और ध्यान करते हैं किसका, भगवान का, हंस के रूप में। जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे वो हंस का ध्यान करते हैं और सोचते हैं कि हे भगवान आप मुझे जो मैं रजोगुण से प्रभावित हो रहा है, मेरे इस गुणों से प्रभावित को हटाइए और प्रकट होइए। तुरंत भगवान वहां पे, ब्रह्मा जी के लिए बहुत प्रेमी है भगवान, तुरंत प्रकट हो गए। हम तो बुलाएंगे, हाँ हम भी बुलाते हैं तो प्रेम से बुलाएंगे तो भगवान भी आ जाते हैं। भगवान प्रकट हो गए हंस स्वरूप में, इतना बड़ा हंस, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित, आखिर है कौन। हमारे आचार्य कहते हैं ये जो हंस हैं, जो नारद मुनि दूसरे स्कंद में बताते हैं,
जिनको हंस ने ज्ञान दिया वो अलग है, हंस अवतार। भगवान बार बार अलग अवतार में आते रहते हैं। तो सबने पूछा एक साल, हु आर यू, आप कौन है? हंस ने सोचा भगवान हंस रूप में आए हैं। ये सब ज्ञानी जन का पहले ज्ञान जो मल बैठा हुआ है ना, अरे सब अहम ब्रह्मास्मी में बैठे हैं, इनका पहले ये ज्ञान दूर करो। तो भगवान ने पूछा, इन लोगों ने पूछा, हु आर यू, आप कौन है? ओ भगवान इति, आप कौन है? तो लीजिए, भगवान ने पहले बोला, तो तुम लोग क्या सोच रहे हो कि मैं कौन हूं? मैं जीव हूं। अगर तुम कहते हो मैं जीव हूं, और अगर मैं जीव हूं और तुम लोग मानते हो कि जीव तो एक ही है, विभिन्नताएं तो है नहीं, तुम लोग तो हग और रसगुल्ला में अंतर देखते नहीं हो। एक बार प्रभुपाद जी के किसी शिष्य ने जाकर के अद्वैतवादी से भिड़ गए। वो अद्वैतवादी कह रहा था, अरे सब एक है, सब एक है। तो इनको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा, अच्छा सब एक है तो आज से मैं आपको रसगुल्ला की जगह हग खिलाऊंगा, और कम पड़ता है तो मेरा डेली मेरे यहाँ पे रहता है, और नहीं होगा तो मैं आपको पार्सल कर करके भेजूंगा, खाइएगा। गुस्सा आ गया वो स्वामी, जाके प्रभुपाद जी से कहा, क्या आपका वैशिष्य अभद्र है, उसको बात करने का तमीज नहीं है। प्रभुपाद जी ने कहा, नो इज लर्निंग। जब वो चला गया, प्रभुपाद ने कहा, वेरी गुड एग्जाम्पल। तो भगवान ने वही बोला, अगर जीव एक है, अगर जीव, तुम तो सब मानते हो, तुम लोग तो हम भी जीव तुम भी जीव सब जीव एक, सब मिलन हो जाता है, तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि हम दोनों तो एक हैं। जब तुम पूछ रहे हो आप कौन है, अपने ही से पूछ लो ना, हम दोनों तो सेम है उस परम ब्रह्म से, तो पूछने का मतलब कहां रह गया? अच्छा फिर कोई कह सकता, प्रभु जी तो फिर हम जो गुरु से पूछते हैं ज्ञान लेते हैं, तो गुरु भी तो जीवात्मा है, तो फिर गुरु उसके पास नहीं जाना चाहिए? नहीं, वहां पे इसलिए हम पूछते हैं गुरु से, क्योंकि गुरु भी अपने मन का नहीं बोलते हैं कि आज समोसा खाए कि नहीं, नहीं खाए, मंगलवार को खा लिया करिए समोसा। नहीं, गुरु जो भगवान बोलते हैं, डायरेक्ट बोलते हैं, प्रभुपाद जी हमेशा, सो कृष्णा सेस इन भगवद गीता डेट यू आर रास्कल, आई एम नॉट सेइंग यू आर रास्कल, कृष्णा इज सेइंग यू आर रास्कल इफ यू आर नॉट बिलीविंग इन कृष्णा। गुरु हमेशा शास्त्रों को और पूर्व आचार्यों को लेकर के चलता है, वो बोलता है। तो इसलिए भगवान करे, अगर तुम मुझे जीव समझते हो तो तुम्हारा प्रश्न पूछना ही गलत है, क्योंकि अगर हम सब एक है तो अपने से पूछो, फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे? दूसरा चीज, अगर तुम ये मानते हो कि ये मैं शरीर हूं, शरीर को मान लो आत्मा, तो प्रश्न उठता है, शरीर तो बना है पांच महाभूत से, बेसिकली सूक्ष्म शरीर तो मन बुद्धि अहंकार भी है, लेकिन स्थूल शरीर जो दिख रहा है वो पंच महाभूत से बना है, कौन? पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल। तो तुम्हारा प्रश्न ये नहीं होना चाहिए, तुम्हारा प्रश्न ये होना चाहिए था, ये पांच कहां से हैं, ये पांच क्या है? तो मान लीजिए ये ज्ञानी जन ऋषि मुनि कहें, प्रभु पांचों से बना है, लेकिन पांच बना करके एक बनाया ना शरीर को, तो भगवान कहेंगे, तो फिर सबका शरीर तो एक ही है ना, तुम्हारा भी तो मिट्टी से बना है, हमारा भी मिट्टी से बना है, सबका वही पांच महाभूत से बनता है, तो फिर प्रश्न क्यों पूछ रहे हो? फिर भी तुम्हारा प्रश्न निरर्थक है। और तुम इस तरीके से बातें जो कर रहे हो ना, बहुत बेहुदा प्रश्न कर रहे हो, प्रश्न पूछने का तुम लोग को अधिकार नहीं है, और तुम जानना चाह रहे हो परम सत्य को, हटो निकलो यहां से। पहले तो जानते नहीं, भगवान उनका टेस्ट कर रहे थे, उनके ये मिसकंसेप्शन को काट रहे थे। अभी मान लीजिए वो तीसरा कहते हैं कि नहीं प्रभु आप भगवान है, परम ब्रह्म है, एक्चुअली मैं बोले कि मैं परम ब्रह्म हूं, तो भगवान कहते हैं, ये जो भी तुम दुनिया देख रहे हो, सर्व खलम इदम ब्रह्मन, सब ब्रह्म से ही निकला है, ये सारा चीज जो हम देख रहे मोबाइल इत्यादि, ये सब चीज वैसे तो भौतिक है, लेकिन भौतिक शक्ति भी किसकी है? भगवान की। तो एक तरीके से ये भी तो भगवान से अभिन्न हो गया। माथा पकड़ लिए वो लोग, प्रभु माफ कर दीजिए, गलती कर ली आपसे पूछ करके कि आप कौन हैं, अब आप ही बता दीजिए आप कौन हैं।
भगवान ने कहा कि सुनो सनत कुमार इत्यादि ऋषि मुनियों, भगवान कहते हैं कि सबसे पहले ये जानूं आत्मा के ऊपर ये उपाधि, ये जो उपाधि आती है ना, सबसे पहले भगवान ध्यान देना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने आप को कर्ता मत मानो, अंतिम कर्ता। तुम इच्छा करते हो, जीव हो, पर कर्ता मत मानो, तुम कर्ता नहीं हो। जब तक तुम कर्ता मानोगे तब तुम सोचोगे मैं भोगता हूं, मैंने किया है तो मेरे को जैसे हम सोचते हैं ना, अरे सर्विस मैंने किया है तो पैसा मुझे ही मिलना चाहिए ना, उस तरीके से पहले कर्ता मत मानो। और कह रहे हैं कि इस जगत में जो भी देख रहे हो ना, मुझको महसूस करने का प्रयास करो, कोई चीज को भी मुझसे अलग मत देखो, कोई चीज भी देखते हो ना, हर चीज को मुझसे जोड़ करके देखो। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, जैसे ये चौक है, ये चौक हम यूज कर सकते हैं भगवान के बारे में बतलाने के लिए, वाणी है। अब कहते हैं भगवान, मता रूपा, मेरे रूपों का ध्यान करो, किससे क्या होगा, जो तुम्हारी लोअर नेचर है ना वो अपर नेचर में बदलेगा। और कह रहे हैं भगवान कि क्या करना चाहिए, ये समझो तीन जो अवस्था है, ये काफी बहुत गहरी चीज बताने वाले भगवान। तीन चीज क्या है, एक जो जागने वाली स्थिति होती है जिसको अवेकिंग कहते हैं, ठीक है, जागना। दूसरा स्वप्न देखना जिसमें, और तीसरा गहरी नींद में सोना जिसमें कि हम स्वप्न देखते ही नहीं है, स्वप्न में नहीं देखते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि ये सतो गुण से आता है, ठीक है ना, जो हम देख रहे हैं, हम जगे हुए हैं तो कुछ सत्व है इसीलिए हम जगे हुए हैं। स्वप्न जो देख रहे हैं वो रजोगुण से उत्पन्न हुआ है क्योंकि तो इसमें मन बहुत एक्टिव रहता है, और गहरी नींद जो है तमोगुण में होती है। अब भगवान बोलते हैं सबसे पहले ये जानो कि ये जो तुम ये सब चीज का कौन है, जीव जो आत्मा है उसको देखती है। आप कहोगे पर इंद्रियों से तो हम जागते हुए कुछ कार्य करते हैं, स्वप्न में माइंड एक्टिव रहता है, तो भगवान कह रहे हैं सबका स्वामी कौन है, आत्मा है, आत्मा है सबसे ऊपर है, पहले ये चीज समझो। यानी आत्मा साक्षी है, हम सोते जागते उठते बैठते जो भी देखते हैं साक्षी है। अब क्या कह रहे भगवान कि अपने और देखिए अपने और मन के जो थॉट्स है, जो सोचने की शक्ति में डिस्टेंस बनाओ गुडनेस से। ये देखो सत्व गुण का फायदा क्या होता है, क्या होता है ना, जैसे आप मान लो जा आपको इच्छा हो गई, ओ मुझे एक मर्सिडीज कार चाहिए, भगवान कह रहे कि ये देखो कि तुम ये सोचो कि तुम्हारा मन क्या कह रहा है, कि मेरा मन कह रहा है कि मर्सिडीज कार चाहिए, ये बोलो, इससे क्या होगा तो आपको पता चलेगा मेरा मन। तो आप एक डिफरेंस बना रहे हो मन और आत्मा में, अपने आप में। ये तभी आप कर पाओगे जब जीव कंटेम्पलेशन, ये जब जीव सतोगुण में होता है, और फिर जब आप सतोगुण में हो तो फिर शुद्ध सत्व में आओ। इसलिए हमारे आचार्य यहाँ पे कहते हैं अटेंटिव हियरिंग करो, चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अटेंटिव चैंटिंग करेंगे तो शुद्ध सत्व में आ जाएंगे, बहुत जरूरी है हरि नाम। और कहते हैं कि ब्रह्मा के मानस पुत्रों ने को ये बताया भगवान ने, अहंकार बंधन का कारण है, उसको कभी ये मत सोचो कि मुक्ति का कारण है, बंधन का कारण है। हम अपने आप को जो शरीर मान रहे हैं ये बंधन है। और कहते हैं कैसे कोई समझेगा कि हम अहंकार से ऊपर उठ गए हैं, वो कोई हम भी तो कह देते हैं, अरे प्रभु जी हम भी अहंकार से ऊपर उठ गए हैं। कैसे, जैसे भगवान कह रहे उदाहरण के लिए, कई बार आपने स्वप्न देखा होगा और आपको लगता है कि स्वप्न में मैं उठ गया हूं, पर अभी भी आप स्वप्न देख रहे हो। ऐसा आपने महसूस किया कभी कि सपने में आपको लगता है जैसे आप गिर गए पहाड़ से, मर गया,
और फिर आपको लगता है मैं बच गया, वो भी आप सपने ही में देख रहे हो कि आप बच गए हो, आप अभी भी सपने में हो। उसी तरीके से जब तक व्यक्ति भगवान में हरि नाम में, इसका सिंपल सा अगर मैं प्रैक्टिकल बोलूं, जब तक हरि नाम में टेस्ट नहीं आ रहा है तब तक आप मत समझो कि आप अहंकार से उठ गए हो। भगवान का नाम में टेस्ट नहीं आता है वो कारण ही है क्योंकि हम अभी भी इच्छाएं अहंकार बहुत है। इसलिए भगवान कहते हैं कि चाहे जो भी ये जागृत स्वप्न या जो इतनी गहरी नींद के इन सब से ऊपर उठ करके जो चौथा स्टेज है उसमें मुझे उसमें क्या करना है, ये ज्ञान रूपी तलवार से काटो और आत्मा को समझो, और ये समझो कि भौतिक गुण अलग अलग भौतिक गुणों से हमारी चेतना बन रही है। और भगवान अब यहां से भगवत भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। कह रहे हैं कि निरंतर मेरी स्मरण करो, भगवत भक्ति करो, निरंतर स्मरण करो। जैसे एक शराबी जब शराब पी लेता है तो उसको पता नहीं होता है कि क्या कपड़ा पहना, कभी कभी नाली में भी लोट जाता है और कहता है अरे, और दूसरे को कहेगा तुम नाच क्यों रहे हो, खुद नाचता है, दूसरे को कहता है नाच क्यों रहे हो। उसी तरीके से जो एक भक्त होता है ना, वो नोटिस नहीं करता है बॉडी का चेंजेस का, मतलब ये नहीं कहता है ओहो आज काला से गोरा हो गया मैं, हा 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 सुंदर दिख रहा हूं, नहीं, वो उसको इस समय तल्लीनता रहता ही नहीं है, वो तल्लीन रहता है सिर्फ भगवान की भक्ति के लिए। और कहते हैं कि वो इस जगत में जब चलता है, ये जो भक्त होता है जो ये ऊपर उठ गया है इस अहंकार से, उसको अफेक्ट नहीं करता है। जैसे ड्रीम से कोई निकल जाता है तो ड्रीम में जो उसने देखा चाहे दुख या सुख उससे वो अफेक्ट नहीं होता, वैसे वो भी अफेक्ट नहीं होता है, और वो पूर्णतः मेरे शुद्ध सत्व में स्थित होने लगता है। और तुम लोगों ने पूछा था कि मैं कौन हूं, तो मैं बता दूं मैं विष्णु हूं, और तुम लोगों को धर्म सिखाने के लिए आया था। वास्तव में योग सांख्य ध्यान ज्ञान वेदों का अध्ययन जो भी तुम करते हो सब का जो प्राप्त करने की जानना है तो मुझे जानो। अभी कोई कह सकता है भगवान को बड़ा अहंकार हो गया है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं ना, पूछो भाई आप कौन हो, अरे मैं कंपनी का सीईओ, तो इतना अहंकार क्यों कर रहे हो, अरे आपने पूछा इसलिए बता रहा हूं, सिंपल सा चीज है। तो इसीलिए भगवान अगला श्लोक बोल देते हैं, ये मत सोचो कि मैं अहंकारी हूं, ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है मेरा, क्या है, मैं शांत हूं, निर्गुण जो कहते हैं बिना गुण वाला, कहने का अर्थ है भौतिक गुण नहीं है, निरहंकार हूं, अहंकार नहीं है, और सबसे बड़ा गुण मेरे में क्या जानते हो, मैं भक्त वत्सल हूं, भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं। यहां पे ये बोल करके सारे संदेह नष्ट हो गए, सारे ऋषि मुनियों ने उनका स्वागत किया, पूजा, देखिए अंत में हमारे आचार्य कह रहे हैं पूजा और जो यश कीर्तन किया, भगवान इसीलिए अवतरित हुए थे कि ये लोग ज्ञान को छोड़े और थोड़ा सा भक्ति करें, इसीलिए यहाँ पे भगवान ने हमसा अवतार के रूप में आए। यहाँ पे 13वां अध्याय समाप्त होता है। 14वें अध्याय में अब उद्धव एक प्रश्न कर देते हैं कि भगवान आपने बताया निष्काम कर्मयोग पर्णाश्रम प्रणाली, अभी आपने मुझे हमसा अवतार से ज्ञान योग भी बता दिया, बहुत अच्छा लगा, ये बताइए बेस्ट क्या है, बेस्ट प्रोसेस क्या है, आखिर ज्ञान निष्काम कर्म, या आपने बताया मुझे भक्ति, हाँ मुझे बोला है भक्ति, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसा हो सकता है अभी आपने ज्ञान बोल दिया है, जैसे होता है ना कई बार हम जो लास्ट में बोलते हैं अभी, तो आपने अभी मुझे ज्ञान बताया, हो सकता है ज्ञान तो नहीं ना है भगवान। भगवान कहते हैं सुनो, अब इसको फिर से कहते हैं, काल के प्रभाव से जब प्रलय हो गया तो वेद, मतलब कि हमारे आचार्य कहते हैं जब ये सृष्टि ब्रह्मा जी का युग समाप्त हो गया, ब्रह्मा जी समाप्त हो गए,
फिर से जब सृष्टि किया भगवान ने तो फिर से वेदों का निर्माण किया, वेदों को बताया ब्रह्मा को। ब्रह्मा ने क्या किया, अपने पुत्र मनु को बताया, मनु ने सप्त ऋषियों को बताया, ऋषि मुनियों गण को। अभी भगवान कहते हैं वेदों के माध्यम से भक्ति एसेंस है, वेद मैंने इसीलिए बोले कि भक्ति करेगा और यहां से जगत से निकलेगा भौतिक जगत से। पर कोई प्रश्न कर सकता है, पर आप ही के वेदों में तो अलग अलग मत हैं भगवान, आपने वेद तो बोले लेकिन आपके वेद में ही अलग अलग मत हैं। तो भगवान कहते हैं उसका कारण क्या है, सुन लो। कारण इसलिए कि अलग अलग गुणों से जो शरीर उत्पन्न हुआ है ना, अलग अलग लोगों के विचार धाराएं बने और इस कारण से उसमें तो कुछ नास्तिकवाद भी है। वेदों में इसका उदाहरण हमारे विश्वनाथ चतुर्थी ठाकुर कहते हैं, जैसे गंगा, अभी गंगा के तट पे कुछ जहरीले विषैले पेड़ भी होते हैं पर, और उसमें फल भी लगे होते हैं विषैले फल, और पर पानी कहां से ले रहे हैं वो, गंगा नदी से। अब हम कहें अरे नहीं नहीं नहीं, अल्टीमेटली तो गंगा नदी से ना पानी ले रहे हैं, हम खाएंगे फल, खाओ अब मरो तो क्या होगा, ऐसा थोड़ी ना होगा कि ओ गंगा नदी से ये फल ये पेड़ क्या हुआ है निकला है, मतलब कि इसका पोर्शन हुआ है, पोषण हुआ है, ग्रो हुआ है, नहीं फल भी हम खा सकते हैं, नहीं अब मरोगे। उसी तरीके से वेदों का ही यूज करके जो नास्तिकवाद करते हैं उसको सुनेंगे और सोचेंगे अरे वेद की वाणी है, हो गया सत्यनाश। मायावाद सुन ले होय सर्वनाश, मायावाद भाष्य सुन ले होय सर्वनाश, महाप्रभु कहते हैं। इसलिए और अब भगवान बोलते हैं, उद्धव पूछ देता कि आखिर ऐसा होता कैसे कि अलग अलग मत हो जाता है, भगवान कहते मेरी माया है, जीव को इच्छा है। अभी देखिए किसी को नहीं मानना है भगवान को, उसको भी तो कुछ चाहिए ना नास्तिकवाद, नहीं तो कल वो ऊपर जाकर के कहेगा भगवान आपने जीना ही हराम कर दिया था मेरा, सब जगह भक्त मिलते थे कहते थे हे भक्त बनो भक्त बनो भक्त बनो, और वो कहते थे ये देखो वेदों में भी दिया शास्त्रों में भी दिया, जबरदस्ती आना पड़ा आपके धाम, अरे कुछ भेज दिए होते हमारे लिए भी कि हम भी कुछ दिखा देते, देखो नहीं है भगवान, कुछ बुद्धि दे देते कि जिससे हम भी लॉजिक निकाल निकाल करके बोलते E=MC² कुछ तो लगा लगा करके बोलते कि स्थापित कर देते कि हाँ भगवान आप नहीं हो। इसलिए भगवान ने कहा मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, नहीं मानना है ना लो बेटा बुद्धि भूल जाओ मुझे, ये कारण है मेरी माया। और अब भगवान बता रहे हैं क्या क्या किस प्रकार से लोग भगवान को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, देखिए वेदों में ही है ये सब। पहला चीज पुण्य कर्म करो, ये तो मैं ये हम बता ही चुके हैं, मीमांसा थ्योरी जो है क्या कहते हैं पुण्य कर्म करो, अरे भगवान कौन देखा है खुद ही पता नहीं, अरे एक्चुअली मैं भगवान से रहा नहीं, भगवान ने जगत बना दिया उनसे संभला नहीं भाग गए, कुछ ऐसे बोलते हैं कि संभला नहीं भाग गए वो। और कुछ कहते हैं अरे भगवान कहां भगवान को बीच में ला रहे हो, अरे मौज करो काहे के। तो इसमें एक और बोलते हैं भोग, चार्वाक मुनि, अरे चोरी करके घी खरीदो पर घी पियो, पियो घी, चोरी करना पड़े तो चोरी भी कर लो, कौन देखा है, एक बार जब इस मर गया शरीर भस्म हो गया कौन देखा है। कुछ लोग कहते हैं इंद्र तृप्ति जीवन की सच्चाई है, कुछ लोग कहते हैं अरे यश, अरे यश जो गाया जाएगा मरने के बाद भी तुमको याद करेंगे लोग वो सच्चाई है। अलग अलग लोग अलग अलग चीजें फल बता रहे हैं, लेकिन भगवान करे ये फल क्षणिक हैं और वास्तव में आत्मा को और बिल्डर करते हैं, मोहित करते हैं, इनका फल ऐसा है। तो फिर एसेंस क्या है, भगवान कहते हैं मैं अर्पितात्मना सभ्य निरापेक्षस्य सर्वतः मैं आत्मना सुखम यता कृत्य
कुतस्या विषयात्मना। निरपेक्ष भाव से वास्तव में वेदों का असली मकसद भक्ति करना ही है, मुझे ही प्राप्त करना है। डायरेक्ट बोल रहे हैं भगवान। ये श्लोक नंबर है 11वां अध्याय का 14वां स्कंध का 14वां अध्याय का 12वां श्लोक। मई अर्पित आत्मना, अपना मन बुद्धि मुझ में अर्पण करो। और कह रहे हैं कि जो मेरा भक्त होता है ना, जो मुझे अर्पण कर देता है ना, उसकी बुद्धि सम हो जाती है। वो नरक में जाए, स्वर्ग में जाए या परम धाम को जाए, वो सभी जगह सुखी रहता है। क्यों? क्योंकि उसका एक ही चीज रहता है, भगवान के नाम का प्रचार करना और भगवान के नाम का कीर्तन करते रहना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो कहीं भी जाएगा, वो पेटी लेकर के बस चल देगा नरक में भी। यमराज, हाँ क्या हुआ? कोई बात नहीं, अरे तो तेल ना, तेलो हमको बस। लेकिन वो बस स्टार्ट हो जाएगा उसको सम बुद्धि, ऐसा होता मेरा भक्त। और कहते हैं कि मेरा भक्त मुझे इतना प्रेम करता है, न पारमिष्ठम न महेंद्रधिष्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवम वा मै अर्पितामिच्छति मद्विदानान्यत्। मेरा भक्त अगर उसको कोई कहे कि चलो तुमको ब्रह्मा का पोजीशन दे देते हैं, कहेगा कि वहां पे प्रचार करने को मिलेगा? नहीं, नहीं चाहिए। कह दिया कि चलो तुमको देवराज इंद्र बना देता हूं, वहां पे भी क्या भक्ति करने को मिलेगा? नहीं, भक्ति तो नहीं है, नहीं चाहिए। सार्वभौम पूरा जगत दे देता है, राजा बन जाओ, कहता है कि अगर इसको भक्ति के लिए यूज कर सकता हूं तो लूंगा, नहीं तो नहीं चाहिए। अरे मोक्ष की भी कामना नहीं करता है, सिर्फ मुझे ही प्राप्त करना चाहता है, इतना प्रेम करता है मुझसे। और कहते हैं भगवान, इसलिए भगवान जोश में बोलते हैं, कहते हैं अरे उद्धव, मेरा भक्त जैसे मुझे इतना प्रेम करता है, वैसे मैं भी भक्तों को बहुत प्रेम करता हूं। और तुम उसमें से जितना मुझे ब्रह्मा प्रिय नहीं है, महेंद्र यानी मतलब महेश प्रिय नहीं है, शिव नहीं प्रिय है, अरे संकर्षण मुझे बलराम जितना प्रिय नहीं है, जितना मुझे लक्ष्मी नहीं प्रिय है, उतना मुझे तुम प्रिय उद्धव, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। अभी प्रश्न उठता है कि यह ब्रह्मा जी भक्त नहीं है, तो हमारे आचार्य कहते हैं ब्रह्मा जी को भगवान का पुत्र के रूप में ज्यादा लोग समझते हैं कि उनके नाभि से निकले हैं। संकर्षण भगवान से अभिन्न है, इसलिए उनको वहां पे लक्ष्मी जी को पत्नी के रूप में ज्यादा देखा जाता है। इसलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो भक्त होता है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है उद्धव को कहते हैं। और कहते हैं भगवान, मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं। क्यों जानते हो उद्धव? मेरा भक्त जो होता है ना, आगे आगे चलता है, लोगों को बुलाता है। मैं हवा, जो वायुदेव हवा चलाते हैं ना, तो मेरे चरणों की धूली जा करके मेरे भक्त के ऊपर गिर जाती है चरणों में, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं। उससे मेरा भक्त प्योर हो जाता है। अगर कुछ इम्प्योरिटी भी है ना, मान लो प्रचार करते वक्त उसको कोई गलत संग कर रहा है, पर वो प्रयास कर रहा है उसको भक्त बनाने का, भक्ति में लाने का, मैं पीछे पीछे अपने भक्त के चलता रहता हूं, ऐसा है मेरा भक्त। और इस भक्त के बारे में मैं क्या बताऊं? कहते हैं ये मेरा भक्त अकिंचन होता है, कोई मटेरियल डिजायर नहीं, माइंड उसका हमेशा अटैच रहता है, शांत होता है, निरहंकार होता है, अरे मर्सीफुल, सब पे दयालु होता है, मुझ में ही आनंद लेता है। क्यों यह भगवान ने बोल दिया मी, वो मुझ में ही आनंद लेता है? क्योंकि मान लीजिए उद्धव पूछ सकता है, भगवान ज्ञानी भी तो सब पे कृपालु होते हैं, ज्ञानी भी शांत होते हैं, ज्ञानी भी माइंड उनका अटैच नहीं होता है। भगवान कहते हैं पर ज्ञानी मेरा भक्ति नहीं करता है, मेरा भक्त मुझ में ही रमता है। ये है भाव भक्ति का लक्षण, भगवान कहते हैं। अरे ये भी छोड़ो, कोई साधना भी कर रहा है, साधक प्रयास भी कर रहा है,
अरे वो प्रयास भी कर रहा है फिर भी वो मेरा भक्त है। और भगवान कहते हैं ज्ञानी अपने पद से गिर जाएगा तो उसको ज्ञानी मत कहना, पर मेरा साधु साधक अपि चेष्टु दुराचारो भजते मान अन्य भाग, मेरा भक्त अगर भक्ति कर रहा है फिर भी, देखिए जानबूझ करके नहीं। कई बार होता है ना जैसे हम केला पे नहीं देखते और फिसल के गिर जाते हैं अनजाने में, पर ये देख करके अरे केला रखा है कौन गिरेगा, तो वो गलत है, फिर वो तो सातवां नाम के बल पे पाप करना हो गया। उसी तरीके से आग है, कई बार गलती से इसमें उंगली चला जाता है किसमें करंट में, तो वो उस तरीके से अगर कोई गलती कर भी देता है, मेरा भगवान कह रहे चीना ठोक करके आचार्य कहते हैं मेरा भक्त अगर गलती कर भी देता है ना उद्धव, इतना भक्ति से उसका सारा पाप नष्ट हो जाता है, अग्नि भक्ति की अग्नि सब नष्ट कर देती है, उसको अलग से प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं है। कोई अरे भगवान कहते हैं अरे एक चांडाल कुत्ता खाने वाला तक शुद्ध हो जाता है मेरे भक्ति से, तुम बात क्या कर रहे हो, ज्ञान में वो दम नहीं है। ज्ञान कर्म आपका हाँ प्रायश्चित करने से उसका भी प्रारब्ध कट जाता है लेकिन बीज वासना नहीं जाता है। मेरे भक्ति में वो पावर है कि इंप्रेशन भी चला जाता है, लेकिन ध्यान रखिए कैसे इंप्रेशन जाएगा, क्योंकि कई बार लोग बोलते हैं कि प्रभु जी हम भी भक्ति कर रहे पर वो वासनाएं अभी भी आती हैं, इंप्रेशन आता रहता है गलत चीज का, वो क्यों नहीं जा रहा है। इसलिए हमारे आचार्य कह रहे हैं ये कि 23वां जो श्लोक है मैं पढ़ ही देता हूं, ये श्लोक है कथम वीणा रोमहर्षम द्रवता चेतसा विना विना नंदा शुलक्या शुद्धे भक्त्या विनाशया। कैसी भक्ति, नाम सुनते ही रोमांचित हो गया, रोमांचकम पाशुतरंग भाजो वंदे गुरु श्री चरणारविंदम गौरंग। नाम सुना नहीं गौरंगा का कि रोमांच कंपाशुत आंख से आंसू गिरने लगना चाहिए गौरंगा का नाम सुन करके, हमारा नहीं हो रहा है। इसलिए भागवत कहता है हरि नाम सुन करके अगर हृदय नहीं पिघल रहा है, रोमांचित नहीं हो रहे हैं, तो अभी भी शुद्ध भक्ति ये नहीं है। और ये जब तक नहीं हो रहा है खुद नाम को सुन करके दम रोमांच आनंद आ जा रहा है, जय राधे जय कृष्ण जय वृंदावन श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, नाम सुन करके नाम संकीर्तन सुन करके रोमांचित अगर कोई हो जा रहा है तब उसका इंप्रेशन जाएगा। ये छुट्टू छुट्टू क्या बोलते हुए फुलझड़ी जलाने से भक्ति का, अरे थोड़ा सा माला जप कर रहे हैं, अरे व्हाट्सएप में मैसेज आ रहा है, हाँ हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उससे नहीं जाता इंप्रेशन। तीव्रता तीव्रे न भक्ति योगे न, तीव्रता भक्ति से इंप्रेशन जाता है। और कोई तीव्र भक्ति कर रहा है उसका भगवान करे बीज कूटम, जो भक्ति रसामृत सिंधु में हमने पढ़ा, अरे अविद्या समाप्त हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति रोमांच में सिर्फ अपने आप को पवित्र नहीं करता है त्रिभुवन को पवित्र कर देता है। एबे अस घुसुक त्रिभुवना शेला प्रभुपाद पतित पावना, प्रभुपाद पतित पावन प्रभुपाद त्रिभुवन को पवित्र कर दिए अपने मात्र संग दे करके। ये होता है भक्ति, शुद्ध भक्त का प्रभाव, शुद्ध भक्ति की उसकी बात कर रहे। और कहते हैं भगवान कहते हैं जैसे सोना सोने को आग में डालोगे तो, अच्छा सोने को आग में डालोगे तो पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा, पर कोई कहे अरे प्रभु जी आग में क्यों डालने का, थोड़ा सा साबुन लगा देते हैं ना, साबुन लगा देने से प्यूरिटी नहीं जाएगा इम्प्यूरिटी नहीं जाएगा, बल्कि साबुन का दाग भी लग सकता है। सोने को अगर साबुन से धोएंगे तो शायद साबुन का दाग लग जाए। उसी तरीके से कोई सोचे अरे थोड़ा सा भक्ति करते हैं थोड़ा सा मस्ती करते हैं क्या दिक्कत है, तो फिर इम्प्यूरिटी पूरा नहीं जाएगा, तपना पड़ता है। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे 16 माला का जप प्रतिदिन, भागवत का सेवा प्रतिदिन,
भक्तों का संग प्रतिदिन, ये नहीं कि आज संडे छोड़ देते हैं। और भगवान कहते हैं, जैसे एक अंधे, अब भगवान कहते हैं अंधे से अच्छा एक आंख से अच्छा दो आंख, और दो आंख से अच्छा है कि ऐसा कुछ आंख में लगा हो कि हम बहुत फाइनल सब्जेक्ट देख लें। उसी तरीके से कुछ जानवरों के जैसा कार्य करने से अच्छा है कि कुछ धार्मिक कार्य करो, धार्मिक कार्य करने से भी अच्छा है कि कुछ निष्काम भावना इत्यादि के कार्य करो, उनसे भी अच्छा है ज्ञान के मार्ग पे आओ, और सबसे अच्छा अगर प्रेमांजना चुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम का अंजन अगर किसी को लग गया, प्रेमा भक्ति अगर जाग गई है तब, और वो कहां से जागता है, 27वें श्लोक में भगवान कह रहे श्रवणम कीर्तनम अनुस्मरता, निरंतर सुनना है प्रतिदिन पिबत भागवतम रसमालयम। जो रसिक भक्त होते हैं भागवत को पीते हैं, पीते पीते सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर पीते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर पीते हैं, जैसे हम मैंगो जूस पीते हैं, मैंगो जूस पीने के बाद हा 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 सो जाते हैं, फिर पूछते हैं प्रभु मैंगो जूस बचा है क्या, थोड़ा और मिलेगा क्या, वैसे लालसा होनी चाहिए भक्ति की। और कहते हैं जब शुद्ध भक्ति इस तरीके से करते हैं और भक्ति में इतना तल्लीनता लगते हैं, तन्मय के साथ करते हैं, तब तो पा गए इस भौतिक जगत से। पर हाँ एक कौशन भी है उद्धव, एक कौशन भी है। क्या कौशन है, कभी भी अपोजिट सेक्स का संग मत करो। जैसे कि स्त्री पुरुष का या पुरुष स्त्री का, कहने का अर्थ क्या, हमारे आचार्य कहते हैं जब व्यक्ति भोग की इच्छा से, अभी तो गृहस्थ है तो उसको तो अपनी पत्नी के साथ रहना है, तो उसके केस में कैसे हो सकता है प्रभु जी। भगवान कह रहे हैं कि जब भोग करने की इच्छा से हम देखते हैं ना, वास्तव में ये भोग करने की इच्छा कब ज्यादा जागृत हो जाता है, जब अपोजिट सेक्स को देखते हैं। ओ हीरो हैं हम, मास्टर हैं, और फिर निर्लज्जता जाती है, फिर आदमी सोचता है कि कैसे प्राप्त करे। इसलिए ध्यान भी रखो, कौशन दे रहे हैं, ये नहीं कि भक्ति में कोई डोंट्स फॉलो नहीं करता है, भक्त डोंट फॉलो करता है, अवैध स्त्री संग मांस मच्छी इत्यादि का भर्षण नहीं करता है, इससे बचता है। अब उद्धव यहाँ पे प्रश्न करेंगे, ज्ञान की बात हो गई, भक्ति फिर से भगवान ने बता दिया श्रेष्ठ है, पर उद्धव को लगता है अभी योग बचा है। कल मेरे से योगी जन पूछ दिए हैं, अरे भगवान ने तो योग के बारे में नहीं ना बताया था, अष्टांग योग के बारे में, अष्टांग योग तो उससे भी ऊपर है, तो क्या अष्टांग योग भक्ति से भी ऊपर है, क्या है मत भगवान का, वो हम कल देखेंगे। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।